जनपद में सोमवार को जिला अस्पताल सहित 50 केंद्रों पर 12,811 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 9,388 और सेकेंड डोज लेने वालों में 3,423 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि सोमवार को 2 महिला तथा 2 अभिभावक स्पेशल केंद्र पर वैक्सीनेशन किया गया है। इसके अलावा जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, सीएससी व पीएससी सहित 50 केंद्रों पर कुल मिलाकर 12,811 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है। सीएमओ ने कहा कि जनपद में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट आई है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसके बचाव के लिए मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है, वह लोग वैक्सीनेशन जरूर करवा लें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, 50 केंद्रों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें से 2 महिला अभिभावक स्पेशल चल रहा है, 2 अभिभावक स्पेशल चल रहा है और हमारे जिला अस्पताल पुरुष और महिला दोनों में ये चल रहा है। हमारे संक्रामक रोग में कोवैक्सीन लगाई जा रही है, मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन हो रहा है और हमारे सभी सीएससी पीएससी में वैक्सीनेशन चल रहा है। सर, आज का लक्ष्य क्या है? आज का लक्ष्य हमारा 10,000 से ऊपर का है। लोगों की काफ़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए और वैक्सीनेशन लोगों का हो रहा है। इधर सेंटरों की कमी हुई है, सरकार के निर्देश के अनुसार अभी क्लस्टर अप्रोच चालू नहीं हो पाई है। जैसे ही सरकारी निर्देश प्राप्त होगा, हम लोग क्लस्टर अप्रोच से तैयारी करके चालू करेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को पर डे हम वैक्सीनेशन करा पाएंगे।